हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये दोपहर के टाइम की क्लिप है मेरे पास। तो मैंने खाने में अपने लिए मैगी बनाई थी। मैगी खाने का मन था, रोटी और चावल वगैरह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मैगी खाने का मन था। तो बस यहाँ पर मैंने एक प्याज चॉप कर ली और उसके बाद जो उसमें मैगी मसाला आता है ना, मैगी में वो डाल दिया। उसे डालने के बाद इसमें मैंने एक से डेढ़ गिलास पानी, डेढ़ नहीं एक गिलास और थोड़ा सा फालतू पानी मैंने डाला है, डेढ़ गिलास से तो कमी था पानी। तो ये पानी मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, बॉयल आने दूंगी इसमें एक, और बॉयल आने के साथ साथ ना मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक तेज खाती हूँ तो मैगी मसाले में जो नमक होता है उससे मेरा नहीं हो पाता है। कई लोग होते हैं ना जो नमक कम खाते हैं, बिल्कुल कम तो उनका तो हो जाएगा, पर मेरे नमक थोड़ा सा डालती हूँ। और यहाँ पे पानी हो गया था तो उसमें मैंने मैगी डाल दी है, मैगी हमारी बनके तैयार है। साथ में मैंने दही ली है जिसमें मैंने काला नमक डाला है। तो आप भी आ जाइए। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। 6:30 का टाइम हो गया है और सब्जी बना दी, आटा मांड के रख दिया है, लाइट चली गई है। जैसा कल चली गई थी आपसे बातें करते करते, तो उसी टाइम लाइट डेली चली जाती है। आजकल दिन में ना सुबह 6:15 बजे से, हाँ 6:15 बजे से सुबह से लाइट ऐसे ही करती है, सुबह 6:15 बजे लाइट चली जाती है, फिर 20-25 मिनट के लिए चली जाती है, फिर आती है 5-10 मिनट के लिए, फिर दोबारा चली जाती है। तो ऐसे पूरा दिन लगा रहता है। अब लाइट वही आएगी, मैंने जैसे बताया था ना 7:30-8 बजे तक ही आएगी लाइट। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। काम मेरा किचन का फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, बस रोटी बनाने का काम रह रहा है। 2 रोटी बनानी है अपने लिए, तो आटा मैंने मांड के रख ही दिया है, तो रोटी जब खाऊंगी तभी बना लूँगी। और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद बनाई है, मतलब बहुत दिनों नहीं कहूँगी, बहुत सालों के बाद बनाई है। क्योंकि एक साल तो मुझे यूट्यूब चैनल को ही हो गया, इस वाले को तब नहीं बनाई, और इस घर में आने के बाद मैंने बनाई ही नहीं है, 3-4 साल हो चुके हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना खाने के मामले में वो चूज़ियाँ, उन्हें ये नहीं खाना, मतलब बैंगन बैंगन में बैंगन का भरता खा लेंगे पर आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। अगर बैंगन को मैं वैसे जो भर के, मतलब काट के ना वैसे करके फ्राई करके बना दूँ खाली बैंगन को मसाले वगैरह डाल के, तो वो तो खा लेंगे फिर भी, पर आलू बैंगन बनाएंगे नहीं खाएंगे। जैसे मैंने बताया ना बहुत चूज़ी हैं, घिया ला के रख रखा है, घिया आलू घिया नहीं खाएंगे, चने और घिया की दाल नहीं खाएंगे, मतलब घिया की और कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे सिर्फ घिया के कोफ्तों के अलावा, ये हाँ घिया का रायता खा लेंगे। तो बहुत चूज़ी है यार, तो बहुत ना मिनिम मतलब कम ही तरीके की सब्ज़ी बनती है घर में, क्योंकि अब और क्या करें यार, उनके लिए अलग बनाओ अपने लिए अलग बनाओ, तो ऐसा मैं कुछ करती नहीं हूँ स्पेशल। कभी कभी हो जाता है कि अपने लिए चावल स्पेशल तो बना लेती हूँ, वैसे कुछ नहीं करती हूँ। तो ये है, और आज मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है, आपके साथ शेयर करूँगी हेयर ऑयलिंग, तो बाद में करूँगी शेयर। सारा काम वाम खाना वाना खा पी के आराम से शेयर करूँगी। अभी मैंने बाल भी कॉम नहीं किए हैं, तो हेयर ऑयलिंग करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी ताकि वो सुलझ जाएँ, टेंगल फ्री हो जाए, तभी हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। यानी ना फिर जब हम हेयर वॉश करते हैं ना, तो भाई वैसे ही मानसून में हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबको एक आम बात सी कह लो होती है, तो इस वजह से पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लो। आप कोई फेस हेयर पैक वगैरह भी लगाते हैं ना, कुछ भी लगाते हैं, कलर वगैरह भी लगाते हैं, तो उससे पहले भी अपने बालों को ना एक बार सुलझा लेना चाहिए, कंघी कर लेना चाहिए, जैसे ना बाल सुलझ जाएं और ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बता ही दिया है, आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो हर किसी को आती है, पर मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई, और जानते हो मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। जैसे मैं हरी मिर्च वगैरह जो काट के डालती हूँ ना, उसको आज मैंने काट के नहीं डाल के उसके साथ मैंने, मतलब उसे इमाम जस्ते में लहसुन के साथ मैंने कूट लिया। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप उस पर भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी थी गर्म करने के लिए, और उसमें तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया था। हींग जीरा डालने के बाद जो वो देखिए जीरे का कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे देखो मैंने हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से ना कूट के एकदम उसका पेस्ट सा बना लिया है, और जब वो हमारा जीरा भुन गया तो मैंने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक मैं भून लूँगी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगा था, मैंने इस तरीके से पहली बार करके बनाई है ये सब्ज़ी। यानी लहसुन का पेस्ट तो मैं डाल देती हूँ, हरी मिर्च में कट करके ही डालती हूँ, या फिर कभी टमाटर प्याज का पेस्ट बनाते हैं तो उसमें हम हरी मिर्च को पेस्ट मतलब पीस लेते हैं, पर इस तरीके से मैंने पहली बार करके बनाया। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी थी, तो उसके बाद जो मैंने
एक प्याज चॉप करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मोस्टली मैं जब सूखी सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं टमाटर स्किप करती हूँ, टमाटर मेरा डालने का मन नहीं करता है सूखी सब्जी में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर टमाटर नहीं लिया है। तो प्याज डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, यानी जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, प्याज अच्छे से भुन ना जाए तब तक मैं भून लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो जब आपकी प्याज भुन जाएगी तो उसके बाद जो भी आप मसाले डालते हैं सब्जी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च कम ही करिएगा क्योंकि हमने हरी मिर्च यूज़ करी है, तो और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डालती हूँ हर सब्जी में। कोई कहता है, एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप हर चीज़ में धनिया पाउडर डालते हो, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल दिया। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और नमक मैं अभी नहीं डालूंगी। हाँ, नमक मैंने ना जब मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूटा था मैंने नमक तभी डाल लिया था, उसको कूटने में ना मुझे इजी हो गया था क्योंकि खाली उसको कूट रही थी ना तो कूट नहीं रहा था, तो मैंने उसमें नमक डाल के उसको कूट लिया था। तो नमक मैंने पहले ही लहसुन और उसके उसमें ले लिया था तो मुझे नमक बाद में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मसाले, सूखे मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से मैंने भून लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू और जो बैंगन कट करके रखे थे वॉश कर लिए थे अच्छे से मैंने, और वो मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद में इसमें एक घूंट पानी भी नहीं डालूंगी, बिल्कुल पानी नहीं डालना है हमने। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू और बैंगन वगैरह डाल दिए हैं, अच्छे से मैं इसको मसालों के साथ मिक्स कर दूंगी और गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है और ढककर इसको पकने देना है। बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा सब्जी को, और साथ ही साथ जब तक आपकी सब्जी बन रही है तब तक आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर लिया। सब्जी इधर मैं चला के इसको मैंने ढक दिया था, उसके बाद मैंने साथ ही साथ आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया, और आटा लगाने के बाद आटे को भी रेस्ट पर छोड़ दिया। तब तक जितने बर्तन थे उन बर्तनों को भी मैंने साथ के साथ वॉश कर दिया। वीडियो में सिर्फ मैं उतना दिखाती हूँ जितना मैं शूट करती हूँ, उसके साथ साथ मैं बाकी और भी काम करती रहती हूँ जो मैं नहीं कर पाती हूँ शूट, क्योंकि कैमरा उठाओ इधर से उधर। कभी कभी मैं वो चीज़ दिखा देती हूँ, जैसे बर्तन वॉश करते हुए दिखा दिया तो उस टाइम मैं कुछ और नहीं दिखाती हूँ, तो इस तरीके से मेरा काम हो जाता है। तो हमारी सब्जी बन के तैयार है, खाना भी हमारा बन के तैयार है, तो आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी। तो यहाँ पर मैंने पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल होता है वो लिया है और खादी का रेड ऑनियन ऑयल, इन दोनों को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैं इसको गुनगुना सा गर्म कर लेती हूँ, फिर मसाज करेंगे हम बालों पे। तो हे गाइस, मैंने ये तेल गर्म कर लिया है और दोनों को मिक्स करके किया है आज, और अच्छे से स्कैल्प में आज मसाज करेंगे क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सिर के दर्द से भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, और वैसे भी कल मुझे हेयर वॉश करना है, आज थर्सडे है कल फ्राइडे है, तो आज मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज कर लूँगी। और वैसे हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, और अगर किसी को सूट नहीं होती है ना हेयर ऑयलिंग, जिनको कहते हैं ना कि हेयर ऑयल करते हैं तो ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग कर लो या 1-1.5 घंटे पहले कर लो, उससे भी इनफ होता है यार, ना करने से बेहतर कुछ कर लिया वो अच्छी बात होती है ना। और तेल ना हल्का गुनगुना है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है सिर में, और ये अच्छे से इस मतलब हमारे स्कैल्प में चला भी जाएगा। और जो आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम, जैसे मुझे हो रही है इस टाइम पे डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम, मुझे तो खैर हमेशा ही रहती है, मोस्टली मुझे ना हमेशा रहती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। बीच में ना ठीक हो गई थी मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, मैंने कुछ ट्राई किया था, क्या ट्राई किया था, एलोवेरा और नींबू का कुछ मैंने ट्राई किया था, उससे मेरे ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम गायब हो गई थी। और मिट्टू ना यहाँ हंस रहा है, मिट्टू चुप हो जाओ, 2 मिनट दे दो मुझे। तुम क्या कह रहे हो? मैं मामी तुम क्या कह रहे हो? तो बस मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे हेयर पे मतलब हेयर स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लूँगी, और हल्के हाथों से करनी है, ऐसा नहीं है कि कुश्ती लड़नी है, कई लोग सोचते हैं ना चंपी मीन्स बहुत तेज़, पर नहीं, हल्के हाथों से मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी और इसको फिर ओवरनाइट मैं रहने दूँगी, और मैं जूड़ा बना लूँगी इसका, कई लोग चोटी बना लेते हैं, कई लोग, मैं जूड़ा बना लूँगी। और ना मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करना इसलिए किया क्योंकि मिट्टू मुझे बिल्कुल भी बोलने नहीं दे रहा था वीडियो में, तो मैंने यहाँ पर वीडियो को म्यूट कर दिया था और आपके साथ बस इसी तरीके से वीडियो शेयर कर दी। और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करने में, कोई कंजूसी ना किया कीजिए। तो जी, कल के व्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी, अब कर रही हूँ, फोन रहे 8 का टाइम हो रहा है, लाइट वही मैंने बताया ही रखा है कि सुबह 6:15 बजे से लाइट के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, तो लाइट जा रही आ रही, और कपड़े धोने के लिए मुझे मशीन लगानी थी, आज थोड़ी सी मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मैंने हेयर वॉश किया, गीले हैं बाल अभी,
तो अभी ना सर पे से वो दुपट्टा जो सूती में बांध के रखती हूँ उतार के बाहर सूखा के आई हूँ, और अब बालों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा है ताकि सूख जाए, फिर कॉम करूँगी। तो मैं डेली मतलब जब भी मुझे मशीन लगानी होती है तो मैं मॉर्निंग में ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ना कि लाइट के नए नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो पता ही है कि आजकल सुबह चल जाती है तो मुझे 5 बजे 4:30 बजे पौने ऐसे मशीन लगानी पड़ती है ताकि सुबह सुबह 6 बजे से पहले पहले मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो जाएँ। पर आज मैंने नहीं लगाई, मैंने कहा कि पहले ना मुझे ड्राम वगैरह वॉश करना था, वो बड़े वाला जो बाहर ड्राम है वो सब वॉश करना था, मैंने कहा उनको वॉश करती हूँ और फिर लगाऊंगी। तो मैंने वॉश किया, फिर मैंने कहा चलो पहले नहा लेती हूँ फिर लगाती हूँ। नहाने चली गई, नहा के फिर पूजा वगैरह करी, पूजा करने के बाद चाय शाय पीने लगी, इतने लाइट चली गई और अब पता नहीं कब आएगी और कपड़े धोने हैं, देखो क्या करते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देती, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग करने जा रही थी। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने जो हेयर ऑयल आपके साथ शेयर किया था कुछ भी ज़्यादा नहीं है, नारियल का ऑयल सबके घर में होता है, ये मैंने क्या कहते हैं खादी का ऑयल मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, मैं इसको अकेले भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है पैराशूट वगैरह मिलाती हूँ, अकेले भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। आपके पास जो भी ऑयल है ना उससे आप हेयर की चंपी करा कीजिए, चाहे थोड़ी देर के लिए करके 1-2 घंटे बाद वॉश कर लें, पर करा कीजिए, इससे ना जो आपकी जो स्कैल्प है ना उनको बहुत राहत मिलती है, आपकी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ कहना है मुझे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगली वीडियो जब मैं शुरू करूँगी उसमें अगर याद आएगा तो उसमें कह दूँगी। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, नई होप नहीं ऐसा नहीं, वो नई जनी के साथ। घर पर रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।